एक डाउट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स ई का पावर वाई बाई एक्स, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स इसको उस साइड ले जाओ, ई का पावर वाई एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, ये एक्स हो गया, ई का पावर वाई माइनस, ठीक है, ऐसे करके हमने लिखा। एक हम लोग क्या कर सकते हैं और, तो डी वाई आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, ई का पावर वाई माइनस वन, या इसको, अच्छा हाँ इधर ले आओ, ई का पावर वाई माइनस वन और वन बाई एक्स रखो और उस साइड चला गया तो क्या हो गया, डी एक्स हो जाएगा, है ना। आराम से देखिए, उस साइड जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो। लेकिन इसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा मैटर फंसा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको इसको फिर हम लोग कैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ई का पावर माइनस वाई वन माइनस ई का पावर माइनस वाई और डी वाई वन बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। कुछ समझ में आया क्या हुआ है, नहीं हुआ? चलो कुछ और आसान करते हैं, हम कुछ और आसान कर देते हैं। इसमें यहां कुछ नहीं है तो वन है, तो इसको e का पावर y से डिवाइड किया, यहां भी e का पावर y से डिवाइड किया, यहां भी e का पावर y से डिवाइड किया, ठीक है, सब जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और वन बाई एक्स डी एक्स रहेगा। अब देखो क्या होगा, वन बाई ई का पावर वाई को क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस वाई, ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा वन, और वन बाई ई का पावर वाई ऊपर ले जाओ तो माइनस वाई इंटीग्रेशन। इससे क्या फायदा हुआ, ये एफ हो गया और ये एफ डैश हो गया, आ जाएगा लॉग ई बेस वन माइनस ई का पावर वन बाई, और इसको लिखेंगे लॉग ई बेस मॉड एक्स प्लस, और लॉग सी लगा दो यहाँ पे, सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब दोनों साइड लॉग में आंसर आ रहा है तो इस साइड भी हम लोग क्या लगाएंगे, लॉग में आंसर लिख देंगे। तो इसका अभी भी हम लोग क्या करना है, इसको लिख सकते हो लॉग ई बेस वन माइनस ई का पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो एक्स इंटू टी, ये हो गया ना, मॉड लगा देंगे दोनों में, लॉग एम दोनों साइड से लॉग हटा दो वाई, और हमने क्या लिख दिया यहां पर एक्स ही कर दिया, यही हो गया ना। और क्या, इसको उधर ले आओ, वन माइनस एक्स सी यहाँ पे वाई हो जाएगा, नीचे ले आओ, और ऐसे हमको लाना क्या है, ऑप्शन में अगर देखोगे तो शायद वाई के फॉर्म में लाना है ना। देखो ई का पावर माइनस वाई हुआ, वन माइनस एक्स सी है, दोनों का लॉग लगा दो, दोनों साइड लॉग लगा दो, अब इधर भी लॉग यहां भी लॉग लगा दो, ई का पावर माइनस वाई और इधर लॉग लगा दीजिए वन माइनस एक्स सी, तो पावर पहले आ जाएगा और लॉग ई हट जाएगा, और इधर बच गया लॉग ई बेस वन माइनस एक्स सी, देख रहा है। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए क्या है, और इसको क्या करो उस साइड उठा के ले जाओ, यही है वन माइनस एक्स सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, तो एट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स और ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यही दिया हुआ, ठीक है। तो क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, टू एक्स ई का पावर एक्स का स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस वाई, ठीक है, और ई का पावर माइनस वाई को नीचे ले आओ, ये माइनस वाई
तो dy बाई डी एक्स टू एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर। अब ये वाला ऊपर जाए, रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर भाग जाएगा, ये डी एक्स हो गया, टू एक्स हो गया, ई एक्स का होल स्क्वायर हो, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यहीं पे लगा दो और डी, अच्छा डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो ई वाई डी वाई रहने दो, टू एक्स ई एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन हो गया आपका, ठीक है। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए, हाँ इसको एक्स स्क्वायर को टी अगर लोगे तो ये वाला हट जाएगा, देख रहा है, टी ले लो एक्स स्क्वायर को तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया, टू एक्स। अब देखो तो डी टी इक्वल टू टू एक्स डी एक्स, इसको रहने दो ई वाई डी वाई। अब क्या करोगे, देखो इसको और ये मिला करके हट गया, e का पावर t और dt बच गया इधर, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, ey का ey, et का et और प्लस t हो जाएगा आपका। तो क्या हम t का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यही है ना, तो t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, e का पावर y, e का पावर x का स्क्वायर प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर है पूरा का पूरा। देख लीजिए अपना।